ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली NCR का नंबर वन वेब चैनल। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आज उस लड़की की सच्चाई आपके सामने लेकर आया हूं जिसने फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप यानी कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मानो राज कर लिया है। पहले आपको उस लड़की की थोड़ी सी झलकियां दिखा देते ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर किस लड़की की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद बताएंगे कि आखिर ये लड़की है कौन, कहां रहती है, क्या करती है और कैसे एक ही दिन में इतनी फेमस हो गई। देखिए कुछ झलकियां। तो बंधु, अब तो आप जानना चाहते ही होंगे कि आखिर ये खूबसूरत लड़की है कौन, कहां की है, क्या करती है। दरअसल इस लड़की की फोटो को जिसने भी देखा वो इसके नैन नक्श पर मोहित हो गया और जिसने इसकी वीडियो को देखा वो इसकी अदाओं पर मोहित हो गया। आपको बता देते हैं कि इस लड़की को इंस्टा पर भी हैशटैग चल पड़ा और हैशटैग जब चला तो ये लड़की टॉप 10 में भी शामिल हो गई। आपको बता दें कि इस लड़की का नाम प्रिया वॉरियर है जिसने कुछ समय के लिए मानो गूगल पे अपना कब्जा जमा लिया था। कुछ लोगों ने तो इसकी फोटो को ट्विटर पर भी मर दिया और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि अगर आपको इस लड़की के नए नक्श या फिर इसकी अदाएं पसंद नहीं आ रही तो आप नारी जाति में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सारा बवाल कटा इस एक वीडियो के बाद। दरअसल एक मलयाली फिल्म लॉन्च हो रही है ओरु अदार लव, जिसके डायरेक्टर हैं ओमार लुलू जो कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी है। तो उन्होंने शगुन देखकर एक गाना ठीक वैलेंटाइन से पहले रिलीज किया, माणिक्या मलराया पूवी। प्यार के इस मौसम में रिलीज हुआ ये गाना उसी रोमांस पर आधारित है जो स्कूल के गलियारों में होता है और एनुअल डे पर शबाब चढ़ता है और इसी शबाब में प्रिया वॉरियर ने अपनी भवें उचका दी, जिस पर उनका दोस्त तो शहीद हो ही गया, साथ ही बाहर पब्लिक भी शहीद हो गई। 3 मिनट 16 सेकंड के इस गाने से पब्लिक ने प्रिया वॉरियर के रिएक्शन के साथ साथ उनकी छोटी छोटी क्लिप की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लेकिन जैसा कि हर हैशटैग के साथ होता है इसके साथ भी वैसा ही हुआ, यानी कि प्रिया वॉरियर जब ट्रेंड लिस्ट में आई तो इसका सबसे ज्यादा मजाक या यूं कहें कि मजे मीम एक्सपर्ट्स ने ही लिए। देखिए कुछ खास फोटोज। खैर, जितना मालूम चला है उतना आपको बता ही देते हैं कि भैया ये कुड़ी जो है केरल के त्रिशूर में रहती है और इसकी जो उम्र है वो केवल 18 साल है और भैया इसके स्कूल के बाहर लाइन लगाने से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये कुड़ी तो कॉलेज में पढ़ती है। त्रिशूर में विमला कॉलेज है जिसमें ये कुड़ी BCOM की पढ़ाई कर रही है। इसके अलावा और भी जानकारी इसके बारे में आपको देंगे और वो गाना भी आपके सामने लेकर आएंगे जिस गाने में से ये छोटी छोटी वीडियो और फोटोज वायरल की जा रही हैं और इसकी अदाओं पर आप सब मोहित हो रहे हैं। तो दिल्ली दर्पण टीवी को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत जल्द हम आप लोगों के सामने वो पूरा गाना भी लाने वाले हैं और उस गाने से जुड़ी जानकारी भी लाने वाले हैं और उस गाने से जुड़ी जानकारी के अंदर ऐसी वीडियो भी आपके सामने लाने वाले हैं जो इन भो उचकाने से कुछ ज्यादा रोमांचिक होगी और आप लोगों के अंदर रोमांस और बढ़ा देगी। तो दिल्ली दर्पण टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि आखिर इस भो उचकाने वाली लड़की की हकीकत क्या है।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर